दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। सतना में कोरोना से हो रही मौतों की आ रही हैं भयावह खबरें। परसों 11 की मौत, कल 11 की मौत, आज अभी तक 4-5 लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। एक वेबसाइट न्यूज पोस्टमार्टम की खबर के अनुसार अभी तक कोरोना से सतना में 155 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि प्रशासन महज 50 का आंकड़ा ही बता रहा है। सतना में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1700 के पार हो चुकी है। सिर्फ कल के एक दिन में 445 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक दिन पहले 419 नए पॉजिटिव केस सामने आए थे। आरटीपीसीआर में मिले केसों के अलावा रैपिड टेस्टिंग में जिला अस्पताल में 49, टिकुरिया टोला में 8, बिरला अस्पताल में 42, उचेहरा में 10, रामनगर में 14, मझगावा में 5, नागौद में 4, रामपुर में 6, कोठी में 4, मैहर में 2 और अमरपाटन में 6 लोग नए कोरोना संक्रमित केस सामने आए हैं। दोस्तों, कोरोना बढ़ने के लिए सभी दोषी हैं, क्योंकि सब के सब लापरवाह हैं। व्यापारी दुकानें लॉकडाउन में भी खोल रहे हैं, दुकानदार शटर बंद करके बाहर खड़े रहते हैं। ग्राहक आया, उसे लेकर दुकान के अंदर घुस गए, थोड़ी देर में सामान लेकर बाहर निकल आए। इस बीच एक व्यक्ति बाहर निगरानी करता खड़ा रहता है। व्यापारी को पैसे कमाने की इतनी भूख है कि वह कोरोना से मरने को भी नहीं डरता, तो फिर क्या किया जाए? लोग सवाल उठाएंगे, प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन अगर अत्यधिक सख्ती दिखाएगा तो नेतागिरी शुरू हो जाएगी। वैसे प्रशासन सब जानता है कि सुबह 6 बजे से व्यापारी अपनी दुकानें खोलकर सामान बेच रहे हैं। देखिए, शासकीय जिला अस्पताल के सामने खोवा मंडी बनी है, जिसमें खोवा व्यापारी बैठे हैं। सिटी कोतवाली सतना की पुलिस गाड़ी वहां आती है, खाने के लिए रिश्वत में खोवा लेती है और चली जाती है। खोवा खिला दिया, अब फैलाओ कोरोना। गाड़ी के जाते ही एक बाइक सवार सिपाही भी वहीं आ जाता है। सिटी कोतवाली के पुलिस वाहन में टीआई बैठी थी या कोई अन्य अधिकारी, या पुलिस कप्तान देखना चाहे तो देखें, वरना जैसा चल रहा है चलने दें। मेन रोड के अंदर की अधिकांश दुकानें खुल रही हैं। चाय, पान, ऑटो पार्ट्स, थोक कपड़े, रेडीमेड जूते चप्पल, सोना चांदी, सभी की दुकानें खुल रही हैं। अब कैसा लॉकडाउन कलेक्टर ने लगाया है, किसे छूट दी है प्रशासन जाने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की चैन तोड़ने के लिए कहा है और एक सलाह दी है कि पॉजिटिव केस मिलने के बाद उसके संपर्क में आए लगभग 50 लोगों की कोरोना टेस्टिंग होना अनिवार्य किया जाना चाहिए। लेकिन सतना के हालात यह है, पॉजिटिव आए परिवार के लोग सार्वजनिक रूप से घूमते हुए देखे जा सकते हैं। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अपने साथ साथ परिवार व पड़ोसियों की जिंदगियों के बारे में भी सोचना होगा। प्रशासन कब तक डंडे से रोकेगा? सभी इस आपदा में अवसर खोज रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो यह काफी चिंतनीय है। मैंने एक व्यक्तिगत रूप से सुझाव सभी के सामने रखा, अस्पतालों के बेड फुल हो चुके हैं। कोरोना मरीजों को कहीं बेड नहीं मिल रहा, कहीं उनका इलाज नहीं हो रहा। सभी लोग कोरोना का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। अगर जिला अस्पताल के सामने स्थित इंदिरा कॉलेज को अस्थायी अस्पताल बना दिया जाए तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ में इंडोर स्टेडियम में 320 बेड का अस्पताल महज 4 दिनों में बन सकता है, तो सतना में क्यों नहीं? बजट भी काफी कुछ सतना में है, और कुछ व्यवस्था करें। यह सुझाव मैंने सतना कलेक्टर, SP, भाजपा सांसद गणेश सिंह, मंत्री रामखिलावन पटेल, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, CM शिवराज सिंह चौहान व उनके OSD मनीष पांडे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल, योगेश ताम्रकार, धर्मेंद्र सिंह बिसेन, मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई अन्य लोगों तक यह मैसेज मैंने भेजा है, मगर किसी ने अभी तक गंभीरता नहीं दिखाई और इसमें कोई पहल मुझे होती हुई नहीं दिखाई दे रही। सोशल मीडिया पर मेरे इस प्रस्ताव को लेकर लोगों ने काफी सहमति जताया है, मगर विंध्य या सतना में दमदार नेता की कमी के कारण
ऐसा संभव हो पाना अभी प्रतीत नहीं होता है। वरना इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जैसे दमदार नेता के होते राधा स्वामी सत्संग भवन में 500 बेड का कोविड मरीजों के लिए अस्थायी अस्पताल बनकर चालू भी हो गया है। जैसे नेता वैसे अधिकारी, एक भी स्ट्रांग होता तो इंदिरा कॉलेज में 1000 बेड का अस्पताल चालू हो सकता था। एक विज्ञापन आता है, खाओ दमदार रहो दमदार, मगर हम सतना की स्थितियों को देखते हुए कह सकते हैं, खाओ दमदार रहो बुजदिल।